नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की श्रृंखला में आज का हमारा वीडियो है विलोम शब्दों पर। विलोम शब्दों पर आधारित ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें उन शब्दों का संकलन है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और जिनकी संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले शब्द की। तो पहला शब्द है हमारा इति। इति का विलोम शब्द क्या होगा? अथ। इति का विलोम शब्द क्या है? अथ। ठीक है, नेक्स्ट है निरामिष। निरामिष का विलोम शब्द क्या होगा? सामिस। निरामिष का विलोम शब्द क्या होगा? सामिस। नेक्स्ट है नैसर्गिक। नैसर्गिक का क्या होगा? कृत्रिम। नैसर्गिक का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? कृत्रिम। नेक्स्ट है उत्तम। उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? अधम। बिल्कुल भी समय यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी इसको समाप्त करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है सूक्ष्म। तो इसका जो विलोम शब्द क्या होगा? स्थूल। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? स्थूल। नेक्स्ट है अनुरक्त। अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा? विरक्त। क्या हो जाएगा? विरक्त। नेक्स्ट है भोगी। भोगी का विलोम शब्द क्या होगा? योगी। नेक्स्ट है महान। महान का विलोम शब्द? क्षुद्र। ठीक है, नेक्स्ट है अधुनातन। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? पुरातन। ठीक है, विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुरातन। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल। मुख का वाचाल। नेक्स्ट है मुख्य का गौण। मुख्य का गौण। नेक्स्ट है वैभव। वैभव का पराभव। वैभव का विलोम शब्द क्या होगा? पराभव। नेक्स्ट है उपचार का अपचार। उपचार का विलोम शब्द क्या होगा? अपचार। नेक्स्ट है तृष्णा। तृष्णा का जो विलोम शब्द है वो क्या है? तृप्ति। विज्ञ का विलोम शब्द होगा? अज्ञ। विज्ञ का अज्ञ। नेक्स्ट है महात्मा। महात्मा का विलोम शब्द क्या होगा? दुरात्मा। विलोम शब्द क्या हो जाएगा महात्मा का? दुरात्मा। नेक्स्ट है ध्रष्ट। ध्रष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? शिष्ट। क्या हो जाएगा? शिष्ट। नेक्स्ट है सुमति। सुमति का विलोम शब्द क्या होगा? कुमति। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? परोक्ष। नेक्स्ट है हमारा अविभाव। ठीक है, अविभाव तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? तिरोभाव। नेक्स्ट है व्यष्टि। व्यष्टि का क्या होगा? समवष्टि। नेक्स्ट है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ क्या होगा? बहुज्ञ। अल्पज्ञ क्या क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। नेक्स्ट है संन्यास। संन्यास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गृहस्थ। ठीक है, संन्यास का गृहस्थ। उद्वत। उद्वत का विलोम शब्द क्या होगा? विनीत। ठीक है, नेक्स्ट है आवर्तक। आवर्तक का विलोम शब्द क्या होगा? अनावर्तक। ठीक है, आवर्तक का अनावर्तक। नेक्स्ट है सृजन। सृजन का विलोम शब्द क्या होगा? विनाश। सृजन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विनाश। नेक्स्ट है शोषक। शोषक का विलोम शब्द क्या होगा? पोषक। क्या हो जाएगा? पोषक। नेक्स्ट है अपेक्षा। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? अनपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अवनी। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला वर्ड है आलोक। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इसको बार देखेंगे आलोक का तिमिर। नेक्स्ट है अनाहूत। अनाहूत का आहूत। नेक्स्ट है गुरु। गुरु का विलोम शब्द लघु। ठीक है, गुरु का विलोम शब्द लघु। नेक्स्ट है विधवा। विधवा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सधवा। नेक्स्ट है एकाग्र। एकाग्र का विलोम शब्द क्या होगा? चंचल। नेक्स्ट है दीर्घ। दीर्घ का विलोम शब्द क्या होगा? हस्व। क्या हो जाएगा? हस्व। नेक्स्ट है तेजस्वी। तेजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? निस्तेज। क्या होगा? निस्तेज। नेक्स्ट है शुष्क। शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा? आर्द्र। नेक्स्ट है श्रोता। तो श्रोता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वक्ता। नेक्स्ट है विस्तृत। विस्तृत का विलोम शब्द क्या होगा? सीमित। नेक्स्ट है आवर्तक। आवर्तक का विलोम शब्द अनावर्तक। ठीक है, नेक्स्ट है संकीर्ण। तो संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? विस्तीर्ण। क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण। नेक्स्ट है संकल्प। संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प। संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प। नेक्स्ट है विशेष। विशेष का विलोम शब्द क्या होगा? सामान्य। क्या हो जाए? सामान्य। नेक्स्ट है तृष्णा। तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा? तृप्ति। नेक्स्ट है विसर्जन।
विसर्जन का विलोम शब्द क्या होगा? आवाहन। नेक्स्ट है विशेष, ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे वो विलोम शब्द, वो हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा विलोम शब्दों का, जिसमें हम अन्य महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को जो शेष है उनको कंप्लीट करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिंदी में आपको प्रोवाइड किया जा चुके हैं, लगभग 5 पार्ट, लगभग आपको 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किए जा चुके हैं और रेगुलर रूप से उनको अपडेट किया जा रहा है। तो उनको अगर आपने नहीं देखा है तो हिंदी के या RO ARO की श्रृंखला का जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, उसको आप जरूर विजिट करो और वहां से देखिए। मुख्य रूप से वो जो प्लेलिस्ट है वो RO और ARO पर केंद्रित है, ठीक है? तो उसको आप बिल्कुल भी देखना मिस ना करें, चूंकि RO और ARO के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मैं जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।